गाइज वेलकम टू माई चैनल, आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा इजी ग्लैम रेड मेकअप लुक। एंड गाइज ये लुक बहुत ही इजी है। अगर आप टीनेजर्स हो, आपको डेट पे जाना है या आप पार्टी नाइट पार्टी में जा रहे हो तो आप ये लुक ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है एंड बहुत ही क्लासिक है। सो एंड गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके बगल में जो बेल बटन है आप उससे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज फर्स्टली हम अपने फेस को अच्छे से प्रेप करेंगे एंड मैं यहाँ ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर एंड इससे मैं अच्छे से अपने फेस को हाइड्रेटेड कर लूँगी क्योंकि समर का सीज़न भी आ गया तो अपने फेस को हाइड्रेटेड करना बहुत ज़रूरी है। देन मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का ये लाइट मॉइस्चराइज़र एंड मेरा जो स्किन है वो ड्राई स्किन है तो मुझे मॉइस्चराइजिंग यूज़ करना मस्ट है, बट मैं यहाँ लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट्स वाई। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। एंड गाइज आई एम सो सॉरी फॉर दिस मैसी बैकग्राउंड क्योंकि मेरा जो होम है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है, सो इसलिए जो भी सामान है वो थोड़ा अस्त व्यस्त सा हो रखा है। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन एंड मेरा शेड है 128 एंड इसे मैं बैकअप द हैंड लेके इसमें हल्का सा एलोवेरा जेल मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो मेरा स्किन है वो थोड़ा ड्राई है एंड ये जो फाउंडेशन है वो मेरे फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर देता है तो थोड़ा साइन इफेक्ट के लिए मैं यहाँ इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर रही हूँ। देन मैंने एक फाउंडेशन ब्रश लेके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड गाइज आज मैंने सनलाइट में शूट किया है अपनी वीडियो को, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ कि आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का कंसीलर, इसे मैं अपने ऑल ओवर हाइलाइटिंग एरिया पे लगा लूँगी। सो गाइज पहले मैं यूज़ करती थी एक लाइट जैसा कि मैंने बताया था, बट आज मैंने यहाँ सनलाइट में वीडियो शूट किया है सो मुझे तो पता नहीं चल रहा कि मतलब कौन सा ज़्यादा सही है। आप लोग व्यूअर्स हो तो आप देख के बताओ कि आपको कौन से वीडियो ज़्यादा सही लग रहे हैं ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए गाइज। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट, इससे मैं अपने सारे कंसीलर को सेट कर लूँगी। एंड गाइज आप ऐसा मत सोचना कि मैंने अपने घर में शिफ्ट किया है, ये भी एक रेंट का ही घर है जहाँ मैंने शिफ्ट किया है। सो देन मैं यहाँ एक ब्राउन कलर लेके अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। मैं अपने अच्छे से अपने सारे एरियाज़ को कॉन्टोर कर लूँगी एंड हेयर लाइन से इसे जॉइंट करते हुए कॉन्टोर करूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपने नोज़ मैं क्या बोल रही हूँ यार गाइज मैं यहाँ अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा माइंड भी मैसी हो रखा है ना कि मतलब क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये पिंक शेड एंड इससे मैं अपने फेस पे हल्का सा कलर दूँगी। सो या दैट्स ऑल। देन मैं इसे अच्छे से फिक्स कर लूँगी, आप चाहो तो फिक्सर भी यूज़ कर सकते हो बट गाइज मेरे पास फिक्सर नहीं है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक एडीएस का था बट वो मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैं ये यूज़ नहीं करती। देन मैं सेम शैम्पिंग कलर लेके अपने फेस पे हाईलाइट कर रही हूँ, अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ सो मैं अपने ब्राबोन को भी हाईलाइट कर ले रही हूँ। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मिल माल्याओ का आईब्रो पैलेट एंड इससे मैं अच्छे से अपने आईब्रो को फिल करूँगी। देन स्पूली से मैं अच्छे से सारे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी। देन इसी पैलेट से मैं ले रही हूँ ये चॉकलेटी शेड एंड मैं इसे अच्छे से एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बस हल्का सा कलर दे रही हूँ अपने क्रीज में
देन मैं यहाँ ये शैम्पेन शेड यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने एज अ हाइलाइटिंग हाइलाइटर यूज़ किया था। सो इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से लगा लूँगी हेल्प ऑफ द माई फिंगर। देन अगेन मैं सेम कलर ले रही हूँ चॉकलेटी कलर एंड उसे मैं अपने क्रीज लाइन को अच्छे से इन्हेंस कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ लिया है मेबेलिन का ये आईलाइनर एंड मैं एक बढ़िया सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी क्योंकि रेड लिप के साथ विंग आईलाइनर अच्छे लगते हैं। देन मैं सेम चॉकलेटी शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे स्मज करूँगी। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये मश्करा एंड ये मेबेलिन का है एंड गाइज मैं यहाँ फॉल्सेस यूज़ करूँगी बट मेरी से वो क्लिप सूट नहीं हुआ तो वो लास्ट में आपको दिख जाएगा। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये किस ब्यूटी का रेड लिप कलर एंड मुझे अब तक लिक्विड लिपस्टिक लगाना नहीं आया। मैं जब भी लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ ना मेरे से गड़बड़ हो ही जाता है। सो या गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्योंकि आपका जो कमेंट होता है ना वो हमें बहुत ही अप्रिशिएट करता है कि हम आगे और अच्छे आपको कंटेंट दें। एंड मैंने जो आपसे पूछा है आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें। बाय गाइज टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।